रोको टोको अभियान के तहत की जाएगी कार्रवाई। लालबर्रा थाने में संपन्न हुई शांति समिति की बैठक। थाना परिसर लालबर्रा में 28 जुलाई को शाम 5 बजे से शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक इंद्रसेन तुमराली नायब तहसीलदार, सुश्री प्रतिभा पटेल प्रभारी तहसीलदार, श्री रघुनाथ खातरकर टीआई लालबर्रा, संदीप सिंह मंगोलिया उप निरीक्षक व प्रसन्न औदिया सांसद प्रतिनिधि एवं जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। इस संबंध में पहले भी व्यापारी बंधुओं की मीटिंग, शांति समिति की मीटिंग बना के उनको बार बार निर्देशित किया गया है। अभी प्रभारी तहसीलदार महोदय ने एक टीम का गठन किया गया है जो रोको टोको अभियान तेजी से मार्केट में घूम घूम कर इसका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को मास्क लगाने प्रेरित किया जाए। सर, विगत दिनों आपके द्वारा जैसे कि जनपद कार्यालय में भी बैठक में निर्णय लिया गया था कि सभी व्यापारी गोले लगाएं और भी जैसे सैनिटाइजिंग वगैरह करना, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करने देना, फिर भी व्यापारी नहीं मान रहे हैं। हाँ, इसमें तहसीलदार महोदय से अभी चर्चा हुई है, कल से निश्चित तौर पर इन सब लोगों पर फाइन करके प्रयास किया जाएगा कि यह सब लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। निर्देश का पालन नहीं करते तो क्या कार्रवाई की जाएगी? यह तहसीलदार महोदय इसमें कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत होते हैं, हम उनके सहयोग के लिए। बैठक में उपस्थिति के समक्ष आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जिसमें ईद, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार शामिल है। उपस्थित हो शासन की गाइडलाइन के बारे में अवगत कराते हुए उनके नियम को पालन करने की अपील करते हुए सहयोग की अपील की तथा आगे बताया कि सार्वजनिक रूप से मनाने वाले त्योहारों पर पूर्णतया प्रतिबंध की बात कही गई, साथ ही त्योहारों को घर पर ही बनाने की बात कही गई। सांसद प्रतिनिधि लालबर्रा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता मोर्चा लालबर्रा। आज बैठक शांति समिति की थाने में रखी गई थी और यहाँ पर त्योहारों के मद्देनजर कोरोना संकट के बीच में यह बैठक प्रशासन द्वारा बुलाई गई थी। जैसा कि COVID-19 का समय है, तो आपके द्वारा क्या सुझाव दिए गए कि क्या होना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है नगर? मास्क को लेकर जनता जागरूक नहीं है, लोगों को कोरोना का भय खत्म होते जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि कोरोना जाते जा रहा है। पर मेरा मानना है, आप जिले से लेकर देश तक की स्थिति आप देखेंगे तो कोरोना लगभग बढ़ते जा रहा है और इसके प्रति जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और इसमें हम लोग सब प्रशासन के साथ है, जैसा प्रशासन तय करेगा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग। तो प्रशासन की जो एडवाइजरी है उसमें तो मास्क के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को भी महत्व दिया गया है, सभी विषय को जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर जो बैठक रखी गई थी तो यहाँ पर सभी विषय पर चर्चा की गई है। माननीय तहसीलदार महोदय जी ने हम सबको विश्वास दिलाया है कि कल से वे अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखा जाए कि अभी कोरोना के चलते कम से कम 8-9 बैठक हो चुकी है, उसके बाद भी कई निर्देश आते हैं कि पालन किया जाएगा, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। रवैया यदि सख्त रखेगा तो निश्चित तौर पर जनता में जागरूकता बनी रहेगी और प्रशासन। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए लालबर्रा से लंकेश पंचेश्वर व शरद धानेश्वर की रिपोर्ट।